अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निदा अहमद खान व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या हाल है आप लोगों का। अल्लाह का शुक्र हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो भाई आज हम अपनी बेटी को लाए हैं थोड़ा पार्क में घुमाने को। बहुत खुश हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है माशाल्लाह से। खुद कह रही है मुझे छोड़ दो, बस मैं खुद चलूँगी। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी खुश हो रही है। थोड़ा सा नीचे बैठा के भी दिखा देते हैं। और और आज जो है जुम्मा है, तो आज आप सबको हम तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। तो हम मुकद्दस के साथ थोड़ा यहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं क्या इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो खेल भी रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात कराते हैं आपके। बड़े इंटरेस्टिंग बच्चे हैं ये। हाँ, यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चे हैं। अभी मेरी उनसे थोड़ी सी बात हुई थी, तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को भी मिलवाती हूँ। तो चले, एक तो क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे बॉल से बड़ा ही डर लगता है। तो मिलते हैं। मुकद्दस मुकद्दस, ये हैं वो सारे शानदार से बच्चे जो बड़ी मजे मजे की बातें भी करते हैं और मजे मजे का बहुत जबरदस्त क्रिकेट भी खेलते हैं। अभी कौन जीता था? अभी मैं, हम, ये और मैं जीते थे। ये और सारा स्कोर मैंने किया था। और वो दोनों हार गए थे क्योंकि ये जरा अपनी कोई छोकियाँ दिखाता उसकी वजह से। तो भाई वो उसकी गलती की वजह से ये भी हार गया। भाई क्यों तुम इतनी गलतियाँ करते हो? नहीं, इसको नहीं खेलना आता। हालांकि इसके बॉल पे इसने कहा था, इसने तेज करी मैंने कहा था मैं जो आउट करेगा, मैंने छक्का उड़ा दिया। उसके बाद आप आउट भी तो हो गए थे, वो भी तो बताओ। वो भी छक्का कौन, सिक्सर कौन करता है ये? ओहो भाई, और आज वही हार गए। बॉलिंग सही है ना, इसकी थोड़ी सी सही है। इसकी तो है ही नहीं, उसकी तो है। ये मैं हूँ इसमें, ये लो। अच्छा, एक छोटा सा गेम खेलेंगे, सही है? मैं जो भी बोलूंगी ना, जिसने पहले वो एक्शन कर दिया ना, वो जीतेगा। ठीक है, मैं ऐसे बोलूंगी, जो पहले हैंड्स अप करेगा वो जीतेगा। तो जल्दी से हैंड्स अप कर, जिसने पहले किया वो जीतता जाएगा, वो साइड पर। ठीक है, तो एंड में देखेंगे बचेगा कौन, वो लूजर होगा, वो हार जाएगा। तो चलो एक मज़ेदार सा गेम खेलते हैं। जो पहले अपने नीज को टच करेगा वो जीतेगा। तो सबसे लास्ट में किसने किया था? जो पहले अपने कान पकड़ेगा वो जीतेगा। मैं पकड़े, तीनों ने इकट्ठे पकड़े, तीनों ने हाँ साथ ही पकड़े। जो पहले अलग करेगा वो जीतेगा। इसने पहले किया, तुमने लास्ट में किया। अच्छा, जो पहले गोल घूमेगा वो जीतेगा। जो पहले नीचे बैठेगा वो जीतेगा। जो पहले खड़ा होगा वो जीतेगा। जो पहले हैंड्स अप करेगा वो जीतेगा। नहीं, लोग तो सब साथ साथ कर रहे हैं। ये वाला जीत गया। कौन सा? ये जीत गया। तो मैं विनर हो गया। चलो भाई, ये देखो मैचिंग विनर हुए। देखा आपने, गलत सीन। तो भाई यहाँ पर जो है ना, ये खाली क्रिकेट नहीं खेलते, ये लोग जो है अपने ब्लॉग वगैरह भी बनाते हैं। ये गेमिंग के हवाले से बनाते हैं, गेम खेलते हैं, तो उस हिसाब से वीडियो बनाते हैं। तो उनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है चैनल का और क्या इनके कॉन्टेक्ट होते हैं। तो बताना जरा, क्या नाम है चैनल का? दोनों का नाम एक ही है, सारे एक ही, लेकिन डेड बॉय गेमर्स। डेड बॉय गेमर्स, अब हमारा आगे आने लगा है कोरियन नूडल चैलेंज होगा, उसका आएगा ब्लॉग। कोरियन नूडल चैलेंज अभी एक है जिसमें इसने मिर्ची खाई थी लाल थोड़ी सी। हाँ। ठीक है, और अगर कहा था इतनी खाओगे ना, तो ये और एक और है वो वाला घर है, वो लंग भी खाएंगे। तो फिर ये हार गया था, तीनों ने खा लिया था। मैं पता है, चैलेंजेस करो, चैलेंज तो किया है। आइसक्रीम चैलेंज ठंड में, पिट चैलेंज था, आइसक्रीम चैलेंज ठंड में, ये सही चैलेंज हो गया था। जब भी हुआ है। अच्छा, अब ये बताने के सबसे अच्छा गाना कौन गाता है? गाने के लिए कोई आना थोड़ी पड़ता, दरवाजा थोड़ी खोलना पड़ता है। चलो ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत
सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं तुम्हारी कहानी तुम्ही को मुबारक तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक वाओ भाई कितने जबरदस्त जबरदस्त तो ये होते हैं इंटेलिजेंट बच्चे। अच्छा तुम्हें जख्म भी मिले क्या तुमने गाना गाया? नहीं बस वैसे गाना गाया ऐसे शो। अच्छा नाम तो बताओ अपने अपने नाम। अरे मोहम्मद अरमदी अयान अयान तो मेरे बहन के बेटे का भी है वो भी ऐसा ही है। और तुम्हारा नाम? अब्दुल हसीब। और आपका? मैं मुश्तबा। मुश्तबा अच्छा मुश्तबा आप कौन सी क्लास में है? मैं 6 में। और आप? 7। आप? 5 6 में होने लगा। 7 में। अच्छा 5 6 7 और मैं 2 में। अच्छा नहीं मुझे कैच पकड़ाओ आप दूर जाए मैं कैच पकड़ भी सकती हूँ। नहीं मेरी बेटी से थोड़ा कहाँ से बैठ हल्का बोलना ऐसे वाला मुझे फेंके जैसे होती है प्राणी अगर मुझे फेंके जैसे होती मुझे नहीं लगी थी इसने क्या हुआ लग गई है। हाँ मतलब ये लोग कैसे इन्होंने मुझे बड़ी तेज मारी थी हड्डी पे लग रही है। तुम बहादुर बच्चे हैं ना आप बहादुर थोड़ी हो। इसने ये था नीचे से उठाया ये मैं उठाया बड़ा है भाई। अब तुम लोग ऐसे अच्छी अच्छी बातें की हैं तो ये मिलता है तुम लोग को गिफ्ट। चलो मेरी बेटी की तरफ नहीं ये क्या हुआ भाई यहाँ तो हो गई है बॉल वाइट और यहाँ मेरी बेबी एक ही जगह खड़ी हुई है। मुकद्दस आ जाओ मम्मी पास रेडी चलो कहाँ गई भाई आउट है आउट हो गए आउट आउट मैच में होते फिर आउट होते बोल दो आउट है आउट है इधर फेंको भाई बहुत अच्छा पार्क है सुकून वाला खाली खाली आराम से हम अपनी बेटी भी मेरी एंजॉय कर रही है और हाँ इधर इधर वॉक हाँ वॉक भी बहुत अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे क्रिकेट भी बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। तो बॉलिंग आई उलो भाई अब इनकी बॉलिंग का टाइम आ गया है बस काफी है तो ये कराएंगे बॉलिंग मामा की चनी बेटा कम शहजादी कम बेबी कम तो गाइस हम लोग बाहर से आ चुके हैं इस टाइम पे मुकद्दस को खेल खिला के क्योंकि वो काफी दिन से कर रही थी कि बाहर जाने घूमने खेलने फिरने तो हमें कहा चलो चलते हैं बाहर तो हाँ बोल रही थी मुझे मैसेज कर रही थी मुझे ना दिल दिल में मुझे यहाँ पर आवाज आ रही थी यहाँ मेरी बच्ची बोल रही है ऐसे करके तो बहरहाल अभी यहाँ पर नीता जो है वो खाने का इंतजाम कर रही है तो खाने में हमारे पास है आज हाफ फ्राई अंडे और साथ में है चौनी तो और साथ में हमारे पास है नान। तो नीता आप कुछ बताना चाहोगी आज आपको कैसा लगा मैं आपको इतने साल बाद घुमाने लेके गया पार्क बड़ा में। मजा है वाकई बहुत साल बाद लेके गए आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक और बड़ा मजा आया वैसे वो इतने अच्छे बच्चे हम लोग को मिले आप लोगों ने देखे ही होंगे बहुत मजा आया उन बच्चों के साथ बकायदा क्रिकेट खेला हम लोगों ने आज तो बड़ा मजा आया बहुत अच्छे बच्चे थे मैं एक मैं उसको देख रहा हूँ मुझे लगता है निदा आ रही है तो देखते हैं हाँ वाकई निदा आ गई देखा दिल को दिल से ही रहा होती है
आपको मेरी आवाज आएगी जरूर। नहीं आवाज तो नहीं, बस वैसे ही महसूस हो गया मुझे। तो भाई ये देखिए जी, ये आज इनका खाना है आज का, तो ये निदा लेकर आई है खाना। अच्छा तो भाई ये खाना लेकर आ गई है, चने अंडे और गिलास। पानी तो है नहीं इसमें, प्यास लग रही मुझे सुबह से। अच्छा मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है इंशाल्लाह ताला मैंने हम लोगों ने इरादा किया है कि हम हर हफ्ते खाना बांटेंगे बाहर जरूर गरीबों में, तो इंशाल्लाह ताला से। एक मिनट अजान हो रही है यार, अजान के बाद बात करते हैं जी। तो जैसा कि अजान हो गई थी तो बंद करना पड़ा, इधर अहमद नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा तो मैं ये कह रही थी, छोटी सी बात बस कह रही थी कि इंशाल्लाह ताला जैसे कि हमने इरादा किया हुआ है कि हर हफ्ते को हम जाएंगे बाहर और लोगों में खाना बांटेंगे, तो मैं घर में खुद ही बनाती हूँ क्योंकि अभी मैं बाहर से नहीं बनवा सकती इतना। अभी सलाम फेर लिया आपने, तो अभी इतना है नहीं कि हम बाहर से बनवाएं, आप लोग की सपोर्ट चाहिए ताकि हम हमारे पास इतना हो कि हम एक अच्छे बड़े उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिला सकें। तो मैं हम लोग ये सोचे थे कि क्या पकाएं क्या पकाएं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बस ये बता दें जो आसानी से मैं कल टाइम से बना भी सकूं और आराम से ज़्यादा लोगों में वो मैं बांट भी सकूं। तो मुझे प्लीज़ आपके आइडिया जो भी आता वो मुझे ज़रूर बताएं, बाकी अगर मुझे कुछ जहन में आया तो फिर मैं कल ही बता पाऊँगी फिर कल के ब्लॉग में कि मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग भी मुझे कोई मशवरा दे सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज में हम गए थे मुकद्दस को बाहर पार्क में, तो वहाँ पे बच्चे बड़े अच्छे मिले, वो भी बताइएगा कैसे लगे आप लोग को। ओके तो हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा, फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें बहुत सपोर्ट करें क्योंकि हम जो चाहते हैं अल्लाह ताला हमें उस मुकाम तक पहुंचाए और हमारे इरादों में हमें कामयाब करे। तो अल्लाह हाफिज़ अहमद। तो गाइस अपना ख्याल करें, लाइक करें, ख्याल रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली आपको कल की और परसों की और आगे की मज़ीद वीडियो अच्छी अच्छी मिल जाए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मिल जाए वीडियो। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। June.